नमस्कार, टॉप 50 शेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। और पॉलिसी से पहले कहने देखिए, बाजार एक बेहद शांत कारोबार कर रहा है। ऐसे में कई सारे स्टॉक्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हलचल देखने को मिली है। बाजार को कहने के उर्जित पटेल के ऊर्जा की का ही इंतजार है कि शायद अब वही जो है बाजार को एक मजबूती देते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि बाजार अभी बेहद शांत है, एक दायरे में ट्रेड कर रहा है। अगले आधे घंटे में कौन से ऐसे सेक्टर्स होंगे जिस पर हम खासतौर पर चर्चा करेंगे आज के ट्रेड में, देखिए। पॉलिसी से पहले कहीं कहीं कई ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ कमाई के मौके देखे जा सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपको कुछ एक ऐसे स्टॉक्स बताएंगे जिसमें आज के ट्रेड में देखिए इन शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। 15% 20% की तेजी है, लेकिन इन शेयरों पे चर्चा बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिली है। तो ऐसे शेयरों में क्या करना चाहिए आपको। इसके अलावा ऑल टाइम हाई पे कई ऐसे शेयर हैं जो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करें, खासतौर पर हैवी वेट स्टॉक्स देखिए वो ट्रेड करें। तो क्या इन शेयरों में रुकना चाहिए, अभी और भी मजबूती देखने को मिल सकती है, या इन शेयरों से निकलने का मौका है। कुछ एक ऐसे स्टॉक्स सेक्टर देखिए जो बीते कई दिनों से मजबूत है और वापस से उन्हीं शेयरों में फिर से खरीदारी देखने को मिल रही है। इसके अलावा एडीएस शेयरों के लिए कई सारे पॉजिटिव ट्रिगर हैं, उस पर बात करेंगे। और आपको एक मिड डे जैकपॉट शेयर बताएंगे जिसमें उम्मीद है कि बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन आज के लिए शुरुआत कीजिए चुनिंदा रियल्टी स्टॉक्स के साथ जहां एक खरीदारी देखने को मिली है। हालांकि लार्ज कैप रियल्टी स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा तेजी देखने को नहीं मिली है, लेकिन छोटे मझोले रियल्टी स्टॉक्स में आज थोड़ी मजबूती देखने को मिली है। और ये पूरा सेक्टर कहीं ना कहीं पॉलिसी का इंतजार कर रहा है। अगर ब्याज दरों में कटौती होती है तो इस पूरे सेक्टर में देखिए एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। आज के ट्रेड में ओवरा रियल्टी 3% की मजबूती, सनटेक रियल्टी, पूर्वांकड़ा, डीबी रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे स्टॉक्स हैं जहां मजबूती देखने को मिली है। हालांकि लार्ज कैप में देखिए डीएलएफ, एचडीएल जैसे स्टॉक्स हैं वहां थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। आज के जानकार मुदित गोयल जुड़ चुके हैं हमारे साथ, एसएमसी ग्लोबल से जुड़े हुए हैं। मुदित, जिस तरह से हमने देखा है कि छोटे मझोले रियल्टी स्टॉक्स में थोड़ी खरीदारी देखने को मिल रही है इन 5 स्टॉक्स में जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या इसमें से कोई ऐसा शेयर आपको पसंद है जिसमें पॉलिसी से पहले खरीदारी करनी चाहिए? मनीष, गोदरेज कंज्यूमर प्रॉपर्टीज़ का अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। स्टॉक का अगर मैं ब्रॉडर चार्ट देखता हूं तो ब्रॉडर चार्ट्स पे स्टॉक में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है और उस पैटर्न का ब्रेकआउट करीब 1715 रुपये के आसपास निकल कर आता है। टेक्निकल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, जैसे ही स्टॉक में 1715 का ब्रेकआउट आएगा मुझे लगता है स्टॉक में 1800 रुपये तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। किसी के पास पोजीशन है बने रह सकते हैं, नया भी निवेश कर सकते हैं। दूसरा काउंटर होगा ओबेरॉय रियलिटी का। इस स्टॉक को मैं ट्रेडिंग के लिए सलाह दूंगा क्योंकि स्टॉक का अगर ब्रॉडर चार्ट्स देखता हूं तो ब्रॉडर चार्ट्स पे स्टॉक काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है और आज के सेशन में स्टॉक में एक डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट दिया है। मुझे लगता है यहां से 315 रुपये तक के अपसाइड मूव ओबेरॉय रियलिटी में भी देखने को मिल सकते हैं। तो ओबेरॉय रियल्टी और गोदरेज प्रॉपर्टी दो ऐसे शेयर हैं जो पसंद है मुदित को, उनको लगता है कि इन दोनों शेयरों में मौजूदा लेवल से तेजी देखने को मिल सकती है। रियल्टी सेक्टर में एक डिमांड जिस प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है वो होता है सिरामिक्स, और सिरामिक्स स्टॉक्स में देखिए आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। तमाम सिरामिक्स स्टॉक्स देखिए आज के ट्रेड में मजबूती दिखा रहे हैं। निटको, सेरा सैनिटरीवेयर, HSIL, मुदसर सिरामिक्स, कजारिया सिरामिक्स जैसे स्टॉक्स हैं जहाँ आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। खासतौर पर निटको में 5% का उछाल देखने को मिला। क्या होगी मुदित? मैंने सबसे पहले हिंदुस्तान सैनिटरी पे बात करूंगा। हिंदुस्तान सैनिटरी के चार्ट स्ट्रक्चर की बात करूं तो फ्लैग पैटर्न स्टॉक में बना हुआ है और उस पैटर्न का जो ब्रेकआउट है करीब 345 और 350 रुपये के आसपास निकल कर आता है। जैसे ही 350 का ब्रेकआउट आएगा मुझे लगता है 370 और 380 रुपये तक के अपसाइड मूव हिंदुस्तान सैनिटरी में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा काउंटर होगा निटको का। निटको का टेक्निकल स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है, ईयरली हाई के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 22 पॉजिटिव बना हुआ है। वॉल्यूम की बात करूं वॉल्यूम भी काफ़ी इजाफा देखने को मिला है। मुझे लगता है यहां से करीब 10-12% के अपसाइड मूव निटको में देखने को मिल सकते हैं। 92-95 तक के अपसाइड मूव निटको में जल्द देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों ही काउंटर्स के लिए कहूँगा पोजिशन है बने रहिए, नया भी निवेश कर सकते हैं। तो नेट को पसंद है, उनको लगता है कि इसमें आपके पास है तो होल्ड करके चलिए, अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। इसके अलावा HSIL भी उनको पसंद है, वहाँ भी उनको उम्मीद है कि और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। दोनों शेयर देखिए नेटको में 92-95 का लक्ष्य मान के चल रहे हैं मुदित, करीब 5% की मजबूती दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कहीं ना कहीं नेटको आज के ट्रेड में कारोबार कर रहा है। कुछ और स्टॉक्स देखिए आज के ट्रेड में, छोटे मझोले फार्मा स्टॉक्स में लगातार हम देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती है। कल भी कई स्टॉक्स थे जो दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहे थे, बीते हफ्ते हम देखे, इनफैक्ट पिछले 10-15 दिनों का ट्रेंड देखिए लगातार छोटे मझोले फार्मा स्टॉक्स में एक अच्छी रैली देखने को मिली। आज के ट्रेड में देखिए क्लिस ड्रग्स करीब 5% की मजबूती, वैन बड़ी, ब्रुक्स लैब, वोकार्ड फार्मा, इसका शिल्पा मेडिकल जैसे स्टॉक्स है जहां मजबूती देखने को मिली। हालांकि वोकार्ड फार्मा में कुछ पॉजिटिव खबरें हैं, उसका असर ज्यादा देखने को मिला है। क्या राय होगी जिस तरह से छोटे मझोले फार्मा शेयर में खरीदारी देखने को मिली है? मैंने आपको 5 स्टॉक्स ही बताए, इसके अलावा भी कोई शेयर है जो आपको लगता है बेहतर रिटर्न देख सकता है? जैसे कल हमने देखा था बिजनेस रेमेडीज में 20% का प्रसार, बीते दिनों बाल फार्मा में बड़ी तेजी, डिसमेंट फार्मा में बड़ी तेजी देखने को मिली है। तो दूसरे
कोई और फार्मा स्टॉक्स हैं जहां आपको लगता है खरीदारी करनी चाहिए अगले 10-15 दिनों में एक बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है? मनीष, सबसे पहले वॉकआउट फार्मा के चार्ट स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करूंगा। बीते अगर 2-3 हफ्ते की बात करता हूं तो स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ है। लोअर साइड में करीब स्टॉक 840 और अपर साइड में 920-930 रुपये। जब तक ये रेंज स्टॉक में बना हुआ है तब तक 22 मुझे स्टॉक के लिए पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। आज के सेशन में जरूर स्टॉक में रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिला है लेकिन अभी होल्ड नहीं हुआ है। जैसे ही स्टॉक 920 रुपये को क्लोजिंग बेसिस पर सस्टेन करेगा मुझे लगता है स्टॉक में 990 और 1000 रुपये तक के अपसाइड मूव वॉकआउट फार्मा में देखने को मिल सकते हैं। तो पोजीशन है, बने रहिए, स्टॉप लॉस होगा 840 रुपए का। इसके अलावा अगर मैं दूसरा फार्मा स्टॉक की मैं बात करता हूं तो मार्क्सन फार्मा का चार्ट स्ट्रक्चर काफी अट्रैक्टिव बना हुआ है। लोअर लेवल से 40 रुपए के आसपास स्टॉक में बेस बनाता और उस बेस के बाद स्टॉक में तगड़ी रिकवरी देखने को मिली और चार्ट्स पर 100 दिन और 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को स्टॉक ने ब्रीच किया। न केवल ब्रीच किया बल्कि क्लोजिंग बेसिस पर सस्टेन के बाद स्टॉक लगातार उसके ऊपर ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। वॉल्यूम काफ़ी बढ़े हुए हैं, इंडिकेटर्स इन लेवल्स पर भी पॉजिटिव दर्शा रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ से करीब 65 रुपये तक के अपसाइड मूव मार्क्सन फार्मा में देखने को मिल सकते हैं। तो मार्क्सन फार्मा में और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। 65 रुपये तक का लक्ष्य मान के चल रहे हैं। बुखार में 990 रुपये तक का लक्ष्य वो मान के चल रहे हैं। हालांकि थोड़ा डीप स्टॉप लॉस दिया उन्होंने, 840 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। 990 या 1000 रुपये तक भी मान के चलने में मुदित यहाँ से अगर तेजी आती है तो देखने को मिल सकता है। मार्क्सन फार्मा में खरीदारी कीजिए, 65 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है।